पंजाब में संत रविदास जयंती की वजह से चुनाव भले ही 20 फरवरी तक टल गए हैं, लेकिन चुनावी सियासत जोर पकड़ने लगी है। आम आदमी पार्टी ने मशहूर कॉमेडियन, एक्टर और अपनी पार्टी के सांसद भगवंत मान को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया है। अरविंद केजरीवाल ने ऐलान करते हुए बताया कि उन्होंने एक सर्वेक्षण कराया था जिसमें भगवंत मान को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। तो पिछले हफ्ते हम लोगों ने एक फोन नंबर जारी किया और हमने कहा आप कॉलिंग कर सकते हो, आप व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हो, आप एसएमएस भेज सकते हो। तो हमारे पास 21,59,437 में रिस्पॉन्स आए, उसमें 93.3% लोगों ने सरदार भगवंत मान का नाम लिया। पार्टी ने दावा किया है कि सर्वेक्षण में करीब 21 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं मुख्यमंत्री पद के लिए अपने नाम के ऐलान से भगवंत मान बेहद भावुक हो गए। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने यह फैसला भावुकता के बजाय राजनीतिक चतुराई दिखाते हुए लिया है। आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान के जरिए एक तीर से दो निशाने लगाए हैं। मान संगरूर सीट से शिरोमणि अकाली दल के कद्दावर नेता सुखदेव ढींसा को हराकर लोकसभा सांसद बने हैं। इससे पहले 2014 की मोदी लहर में भी मान यहीं से चुनाव जीते थे। संगरूर पंजाब के मालवा क्षेत्र में है। मालवा में राज्य विधानसभा की कुल 117 सीटों में से 69 सीटें आती हैं। आम आदमी पार्टी ने इस क्षेत्र में 2017 में विधानसभा चुनाव में 20 सीटें जीती थी, जबकि शिरोमणि अकाली दल को सिर्फ 8 सीटें हासिल हुई थी। वहीं कांग्रेस ने यहां 40 सीटें पाई थी। कहा जाता है कि मालवा क्षेत्र ही पंजाब की सियासत तय करता है। वहीं भगवंत मान को सीएम का चेहरा घोषित कर आम आदमी पार्टी ने जट सिख समीकरण भी साधा है। 1966 में राज्य के बंटवारे से पहले जरूर सूबे के 3 मुख्यमंत्री हिंदू थे, लेकिन उसके बाद ज्ञानी जेल सिंह को छोड़कर लगभग सभी मुख्यमंत्री जट सिख समुदाय से हुए हैं। हालांकि पंजाब में जट सिख आबादी सिर्फ 19% ही है, लेकिन भगवंत मान के साथ खास बात यह है कि वो बतौर कलाकार पंजाब में खासे मशहूर हैं। संसद में भी उनके बयान खासे वायरल होते रहे हैं। इसका मतलब ये चुनावी स्टंट है और ये भारतीय जुमला पार्टी बीजेपी, भारतीय जुमला पार्टी का एक और जुमला है। और प्रधानमंत्री अगले 10 दिन में आपको कहीं ना कहीं रैली में ताली बजाकर ये बोलते नजर आएंगे, मैंने तो बिल लाया था लेकिन इन्होंने ये कैंसिल कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का नाम भी इस सर्वेक्षण में शामिल किया था, लेकिन उन्हें सिर्फ 3.6% वोट ही मिले। 93.3% लोगों ने सरदार भगवंत मान का नाम लिया। दूसरे नंबर पे नवजोत सिंह सिद्धू थे, उनको 3.6% वोट मिले। इस ऐलान को आम आदमी पार्टी में सिद्धू के लिए 9 वैकेंसी का बोर्ड माना जा रहा है। इधर कांग्रेस ने भी मुख्यमंत्री चन्नी का एक वीडियो जारी कर सिद्धू के अरमानों पर पानी फेर दिया है। साथ ही समझा जा रहा है कि अब सिद्धू अपनी पार्टी में क्रीज पर रहकर ही बैटिंग करेंगे। वहीं कांग्रेस भी चन्नी के जरिए दोहरा दाव लगा रही है। चरणजीत सिंह चन्नी सूबे में अब तक के पहले दलित मुख्यमंत्री हैं। पंजाब में 34 सीटें अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है। वहीं राज्य की एक तिहाई दलित आबादी मालवा और मांझा के अमृतसर, तरन तारण, गुरदासपुर और पठानकोट में खेती किसानी करती है, इसलिए इसे कांग्रेस पंजाब के किसानों को भी साधने की कोशिश माना जा रहा है। किसाना ने, किसान मोर्चे ने संघर्ष करके 700 जाना गवा के दिल्ली दे नाल टक्कर लेके, बीजेपी दे नाल टक्कर लेके, केंद्र सरकार नाल टक्कर लेके सानू कानून वापस कराए। सारे पंजाबियों ने उन्हां दी मदद कीती है। चन्नी ने दलित वोटों के लिए संत रविदास जयंती की वजह से 14 फरवरी को होने वाले चुनाव को टालने की चुनाव आयोग से गुहार लगाई थी, जिसे आयोग ने मानकर चुनाव की तारीख 20 फरवरी कर दी है।